हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपिसोड 220 की पार्ट एक पर, तो आप वीडियो को जरूर वॉच करना। के स्टार्टिंग में हमें बीबी डोंग को दिखाया जाता है। बीबी डोंग अपनी कल्टीवेशन कर रही होती है और अपनी बॉडी की पावर रिकवर कर रही होती है, जिसकी साथ ही बीबी डोंग कहती है, टैंक्शन, अगर तुम उस दिन वहाँ पर अपियर न हुए होते, मेरे सेकंड गार्डन स्पिरिट में 200,000 की स्पिरिट रिंग मौजूद हुए होते। जिसके साथ हम देखते हैं एलिफेंट क्लैन के मेंबर यहाँ पर जाता है और आते ही बीबी डोंग से कहता है, हमें इस बात की न्यूज मिली है, एम्परर सुई बंग अपने सोल्जर को लेकर टियांडो आर्मी के साथ हमारे ऊपर अटैक करने वाला है। जिसके साथ ही बीबी डोंग कहती है, हो सब लोग ठीक टाइम पर आए हैं, वो लोग हमारे सोल्जर की साथ जीत लेते हैं। उसके बाद हमें टियांडो आर्मी से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद सारे स्पिरिट वर्ल्ड मेरा हो जाएगा, सबको जाकर मेरे ऑर्डर करो, सातों कल्याण की मेंबर्स को एक साथ इकट्ठा करो, उसके साथ ही साथ इम्पीरियल स्पिरिट मास्टर को भी बुलाओ, हमारी एम्पायर में जितने भी चिप पोस्ट से उन सब को बुलाओ और उन सब को मेरे पास आने को कहो। उसी के साथ ही नेक्स्ट यू में हम देखते हैं सातों कल्याण की मेंबर के साथ बीबी डोंग कड़ी होती है। उसी के साथ ही कहती है, हमारे सामने वार की सिचुएशन आ चुके हैं और अभी के लिए हम लोग अपनी स्पिरिट पावर के साथ ही रियलाइज कर सकते हैं, जैसे ही हम टियांडो आर्मी को डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसके बाद तुम लोग जो चाहते हो मैं उसे पूरा करने के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ एलिफेंट क्लैन की मेंबर बीबी डोंग से कहता है, हमारे क्लैन आपके सब ऑर्डर को मानेगा। उसके साथ ही बाकी के कल्याण के मेंबर्स इसे फॉलो करते हैं। उसी के साथ ही बीबी डोंग कहती है, सियानलू एम्पायर अपनी हाली पैसर्स की कंट्रोल में आ चुका है और सियानलू एम्पायर अभी के लिए वार को भी फॉलो नहीं कर सकते। अगर टियांडो एम्पायर हमारे ऊपर अटैक करता है तो उसे हमारी डेंजरस लोकेशन से गुजर कर आना होगा, जिसकी वजह से हम लोग अपनी प्रिपरेशन को वहीं पर करेंगे और उन्हें वहीं पर हरा देंगे। एलिफेंट सिल्क लाइन विलिस्वट क्लां, यह दोनों ही अपनी डिफेंस पर चार्ज होंगे और इन दोनों की ड्यूटी यही होगी, तुम किसी को भी गेट में अंदर नहीं आने दोगे, सेरे क्लैन, ब्लैक टाइगर क्लैन और इनके साथ और दो क्लैन और चारों क्लैन की ग्रुप अटैक से रिलेटेड होगी और तुम लोग फ्रंट लाइन पर रुकोगे। जिसके साथ ही वो सब लोग वहाँ से निकलते हैं। उसके साथ ही बीबी डोंग एक क्लैन की मेंबर से कहती है, तुम्हारी मेंबर सबसे ज्यादा वीक और सबसे ज्यादा फास्ट है और ये एबिलिटी हमको काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है, जिसकी साथ ही तुम अपने क्लैन के मेंबर को बेचकर हमारी एनिमे का पता लगाओ और उनकी सारी मूवमेंट्स को अच्छे से सर्च करो। और उसके साथ साथ और एक काम है जो कि मैं तुम्हें देना चाहती हूँ और वो तुम ही कर सकते हो, जिसके साथ ही हमारे यूज चेंज होता है और हम देखते हैं टियांडो आर्मी को और इन सब को महोगंजुम लीड कर रहा होता है। उसके साथ ही नेक्स्ट यू में हम देखते हैं निंगोग्रोंग को, जो कि आते हैं अपनी फादर की गले लग जाती है। उसी के साथ ही अपनी फादर से कहती है, आप अभी भी काफी ज्यादा पावरफुल है, फिर आप अपनी पोजीशन को मुझे क्यों दे रही हो। जिसके साथ ही निंगोग्रोंग रोंग की फादर कहता है, हमारे क्लैन की चेयरमैन की पोजीशन सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान के पास होना चाहिए और इसके साथ ही साथ तुम्हारे एल्डर सीट के लीडर, हमारी क्लैन और भी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। और इसके साथ ही एल्डर स्वॉर्ड कहते हैं, कोई हमारी मेन फोर्सेस पर अप्रोच कर रहा है और उसके साथ ही साथ उनके माइंड पावर मेरे से भी काफी ज्यादा है। उसके साथ ही निंग रोंग रोंग कहती है, अभी के लिए ग्रैंडपा की सोल पावर 97 रैंक की है, तो पूरे स्टेट वर्ल्ड में ज्यादा ऐसी लोग नहीं है जो कि माइंड पावर के मुकाबले में ग्रैंडपा से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। जिसके साथ ही निंग फेंग जी कहता है, यह हुहान एम्पायर का सोल मास्टर क्विंदोलुलो हो सकता है,
जिसके साथ ही एल्डर स्वॉर्ड कहता है, मैं इस पसंद को मिलने के लिए जा रहा हूँ, तुम तब तक यहाँ पर मेरा वेट करो। उसके साथ ही ग्रैंड पासवर्ड वहाँ से जाने लगता है और कहता है, एक ऐसा ग्रैंड सोल मास्टर जिसकी पावर लेवल 99 रैंक की है, अगर अभी के लिए वो हमारी आगे अटैक करता है, हमारे आर्मी के लोग बहुत ही इजीली डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। अभी के लिए वो भी स्टार्ट नहीं हुई। टियांडो एम्पायर को कोई भी हट नहीं कर सकता और न ही मैं ऐसा करने दूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं, एल्डर स्वॉर्ड टैंक्शन के पास पहुंच जाता है और अभी के लिए इनके सामने टैंक्शन और जिवू होते हैं। उसके स्वॉर्ड अंकल टैंक्शन को बिना पहचाने अटैक कर देता है और वहाँ स्वॉर्ड का बारिश होने लगता है। जैसे बचके टैंक्शन और जिवू आगे जाते हैं और अपनी कैप को निकाल कर एल्डर स्वॉर्ड से कहता है, मैं आपको काफी टाइम से नहीं मिला। इसी के साथ ही एल्डर स्वॉर्ड कहता है, टैंक्शन, हालांकि हमें मिले 5 साल हो चुके हैं, मगर मुझे तुम्हारी बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा फील हो रही है। मैंने रोंग से सुना है तुम सी गॉड पावर को इनहेरिटेशन कर चुके हो। जिस पर टैंक्शन कहता है, आपने मेरी बॉडी से माइंड पावर को फील किया होगा। जिसकी एल्डर स्वॉर्ड कहता है, हमारे स्पिरिट मास्टर वर्ल्ड में सभी गॉड की पावर 100 रैंक की है, हालांकि इस लाइफ में मैं भी 100 लेवल अचीव नहीं कर सकता, मगर टैंक्शन, क्या तुम हमारी आर्मी को ज्वाइन करने के लाये हो? हुहान एम्पायर के पास पहले ही लेवल 99 रैंक के सोल मास्टर मौजूद है। तुम मुझे यह देखने दो, तुम्हारे पास उस पावर को चैलेंज करने की एबिलिटी में मौजूद है या नहीं। जिस पर टैंक्शन मान जाता है और उसके साथ ही कहता है, अभी के लिए मैं अपनी एबिलिटी को शो करता हूँ। उसी के साथ ही हम देखते हैं यह दोनों ही अपनी अपनी सोल रिंग बाहर निकाल लेती है। जिसके साथ ही हम देखते हैं महुमजिंग और टीचर प्लेंडर को, जो कि महुमजिंग से कहते हैं, तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। इसके साथ ही महुमजिंग कहते हैं, मैंने इन सालों में काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग की है, जो सब ने आपने मुझे सिखाया था मैंने उन सब को है फॉलो किया है। मगर यह दोनों बात करते ही कुछ अटैक फील होता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं सारे श्रेक डेविल्स अकेडमिक के सोल मास्टर कुछ और मेंबर्स इस फाइट को फॉलो करते हुए वहां पर आ जाते हैं। और उसके साथ ही डाय मुबाई कहता है, टैंक्शन वापस आ चुका है, मगर मुझे टैंक्शन काफी ज्यादा स्ट्रेंज लग रहा है। यहाँ पर हम देखे हैं टैंक्शन और एल्डर स्वॉर्ड की फाइट को। यहाँ पर एल्डर स्वॉर्ड टैंक्शन को बहुत ही इजीली टक्कर दे रही होती है, जिसके साथ ही नीग रोंग कहती है, ग्रैंपा स्वॉर्ड और टैंक्शन फाइट क्यों कर रहे हैं? उसके साथ ही टीचर प्लेंडर वहाँ पर आ जाते हैं और आते ही कहता है, जिस तरह से यह दोनों फाइट कर रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता है यह एक ड्रॉ मैच लगता है। जिसके साथ ही महूम युंग कहता है, सी गॉड आइलैंड में जाने से पहले ही हमने एल्डर स्वॉर्ड की मूव्स जेला था और हमने एक साथ फाइट किया था, हालांकि हमें ट्रेनिंग करते हुए 5 साल गुजर चुके हैं और हम लोग भी काफी जगह इम्प्रूव हो चुके हैं, मगर अभी भी हम अंकल स्वॉर्ड की मुकाबला नहीं कर सकते हैं। उसके साथ ही हम देखते हैं अंकल स्वॉर्ड अपनी 7th स्पिरिट टेक्निक को यूज करता है, जिसे डिपेंड करने के लिए टैंक्शन अपनी लेफ्ट आर्म सोल बोन टेक्निक को यूज करता है। यहाँ पर ही यह अटैक अंकल स्वॉर्ड के अटैक को डिपेंड कर लेता है। जिसके साथ ही टीचर प्लेंडर कहते हैं, स्पिरिट मास्टर वर्ल्ड में जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग अटैक में से एक था, इसको टैंक्शन सिर्फ अपनी स्पिरिट बोन टेक्निक से ही डिपेंड कर लिया है। उसके साथ ही महुमजिंग कहता है, मास्टर, आपको यह बोलना नहीं चाहिए, टैंक्शन इन सब मास्टर में से सबसे बड़ा मॉन्स्टर है। उसके साथ ही जूजू किंग कहती है, मैंने ब्रदर सैन की इस एबिलिटी को यूज करते हुए कभी नहीं देखा। उसके साथ ही डाय मुबाई कहता है, ऐसा भी हो सकता है, जितनी दिनों के लिए हम टैंक्शन से अलग हुए थे, टैंक्शन ने कुछ न्यू एबिलिटी को हासिल किया होगा।
और ऐसा भी हो सकता है कि टैंक्शन ग्रैंड सोल मास्टर बन चुका हो। जिसके साथ ही हम दोबार से आ जाते हैं टैंक्शन की व्यू पर, जो कि अपनी हाउशन हैमर के साथ अंकल स्वॉर्ड का मुकाबला कर रहा होता है, जिसके साथ ही एल्डर स्वॉर्ड दोबारा से अपनी काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक को यूज करता है, जिसको डिपेंड करने के लिए टैंक्शन अपनी टाइटन गोंट वेड की स्पिरिट बोन टेक्निकों को यूज करता है, जो कि होती है ग्रेविटी प्रेशर। अंकल स्वॉर्ड की अटैक को बहुत ही एजीली डिपेंड कर लेती है, जिसे देखते ही अंकल स्वॉर्ड अपनी एट स्पिरिट टेक्निक को यूज करता है। उसके साथ ही हम देखते हैं एक और से बने कैरेक्टर को, और इसके हाथ में फोर स्वॉर्ड होते हैं, जिसके साथ ही एल्डर स्वॉर्ड इस अटैक को टैंक्शन की ऊपर कर देता है, मगर इसे डिपेंड करने के लिए टैंक्शन अपनी डेथ गॉड डोमिन का फर्स्ट टेक्निक स्लेयर गॉड के टेक्निक को यूज करता है, और उसके साथ साथ अपनी हाउशन हैमर का सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक को यूज करता है, और यह टेक्निक भी इस अटैक को बहुत ही इजीली हरा देती है। जिसके साथ ही हमारा पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है।